without food we cannot stay, we cannot live. Food is essential for living beings as it provides the energy necessary to carry out various life activities. हम जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, each and every work energy needed. Energy should be needed. Without energy we can't do anything, any work. So हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ना हमें एनर्जी मिलता है. It provides us energy, nutrients, so that we are able to do work. Let's see. Helps in the growth and repair or replacement of old out cells. जो हमारा बॉडी में जो सेल्स है उसमें क्या होता है ना, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए हमें फूड की बहुत मात्रा से जरूरत होता है. प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड डे कीप्स इट फिट. मैंने आपके लिए डिजीज पहले से लिख रखा है. डिजीज मीन्स लेट्स सी डिजीज. डिजीज मीन्स बीमारी. हमें जो बीमार होता है, हम जब बीमार होते हैं, बीमारी हमें होता है, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है ना, प्रोटेक्ट द बॉडी. हमारा शरीर को वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिजीज. वेरियस मतलब विभिन्न भिन्न भिन्न तरह तरह का जो डिजीज है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. एंड कीप इट फिट. हमें क्या करता है, हेल्दी रखता है और फिट करता है. द प्रोसेस बाय व्हिच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस. ये जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस बाय व्हिच आवर बॉडी टेक्स इन फूड. जिस प्रोसेस से हमारा बॉडी फूड लेता है, इसका यूज करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारा शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, द न्यूट्रिशन. फूड हैज कम केमिकल सब्सटेंसेस, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स मींस फूड हैज सम केमिकल सब्सटेंस. फूड में जो केमिकल सब्सटेंस रहता है उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. फूड हैज सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. और ये जो कंपोनेंट्स है दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल. Next thing, do you know what are chapati made of? What are chapati made of? Means chapati jo banta hai, how ye kaise banta hai? So let's come to know how chapati made of. They are made of wheat flour. Wheat flour means already maine aapke liye likha hai, dekho flour. F L O U R flour means aata. Aur wheat flour. Wheat flour means gehu ka aata. To kya kya saman chahiye? Pehle to ye janna chahiye. Maine aapke liye aur ek cheez likha hai. Water. First one is the flour, मतलब जो गेहूं का वो आटा.
different kinds of animals eat different types of food. जो भिन्न भिन्न प्रकार का एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से खाना खाते हैं और उनका खाना भी अलग अलग होता है. You must have seen earthworms burrowing in the soil. Burrowing means, already I have written here, the seed burrowing means bean. जो आपको खेती होता है क्या? One.